हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश है। आज हम लोग क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर देखेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में हम आपको सारा फॉर्मूला दिए हैं, जिस फॉर्मूला से आपको 7.1 डील करने में काफ़ी हेल्प होगा, और साथ ही साथ इसमें ये जो प्लस सी क्यों यूज होता है ये भी हम बताए हुए हैं। इसको देखिएगा और समझिएगा ना। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्स पर पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स पर पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। फिर सर कॉस डी एक्स का साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, sec square x dx का tan x plus c and cosec square x dx का minus cot x plus c, sec x tan x dx का sec x plus c, cosec x cot x dx का minus cosec x plus c, और 1 upon root under 1 minus x square sin inverse x plus c, और 1 upon root under minus 1 minus x square equals to minus cos inverse x plus c, और 1 upon 1 plus x square का आपको होता है tan inverse x plus c। ये काफी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ही है वाला, इसको हम लोग आगे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इस फॉर्मूला को आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम आपको बताते हैं सबसे फर्स्ट फॉर्मूला देखिए कैसे यूजेबल है। देखिए इंटीग्रेशन एक्स का पावर सिक्स डी एक्स आप ले रहे हैं, और यहाँ पे देखिए एक्स है ना, ये एक्स, ये देखिए पहले डी एक्स समझ लीजिए क्या होता है। डी एक्स आपको बताता है ना आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे आपका एक्स है तो मतलब आपका वेरिएबल एक्स चल रहा होगा, अगर आपका वाई है तो मतलब यहाँ भी आपका वाई होना चाहिए, अगर आपका पी है तो यहाँ भी आपका पी होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे सपोज दैट ऐसा कुछ रहता, जैसे मान लीजिए पी रहेगा और डी एक्स रहेगा, तब इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि दोनों को सेम होना जरूरी है। इसलिए हम इसको मिटा देते हैं और इसको समझाते हैं। x को पावर 6 को आप देखिए तो x को पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी x को पावर 6 का x को पावर 7 बाई 7। उसी तरह अगर x को पावर 8 का आप करना चाहते हैं तो x का पावर 9 अपॉन 9। उसी तरह x को पावर 10 का लिखना चाहते हैं तो x का पावर 11 बाई 11। मतलब क्या होता है, एक प्लस हो जाएगा ना, एक पावर प्लस हो जाएगा। सिंपली दिखाते हैं, जैसे x को पावर आपको 5 dx है तो मतलब x का पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1, और यही चीज को आप ऐसे लिखते हैं 6 6। ओके, अब हम आपको बताते हैं ये जो प्लस सी होता है, ये इंटीग्रेशन में प्लस सी बार बार देखिए सब जगह लिखा हुआ, ये सी क्या होता है। देखिए सी मतलब होता है कांस्टेंट। तो भाई कैसा कांस्टेंट, तो देखिए सबसे पहले आपको उसके लिए समझना होगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन, तभी आप समझ पाइएगा। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जस्ट रिवर्स होता है, एक दूसरे का रिवर्स। हम समझाते हैं कैसे। अब ये मान के चल रहे हैं आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, ठीक है, तो समझाते हैं हम आपको। अब नहीं बात होता तो हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे देखिए d बाई डी एक्स, एक्स का पावर n का फॉर्मूला n x का पावर n माइनस वन, थोड़ा सा समझिएगा। d बाई डी एक्स, एक्स का पावर अगर 6 रहता है तो आप पावर को पहले लिखिए और एक पावर घटा दीजिए 6 माइनस वन, डैट मीन 6 x का पावर 5। उसी तरह d बाई डी एक्स, अगर आप x का पावर 4 लिखते हैं तो यहाँ पे 4 आ गया आएगा और x और 4 माइनस वन। उसी तरह d बाय डी एक्स, अगर आप x को पावर 3 लिखते हैं तो 3x का पावर 2। बस इसी तरह, यानी पावर आगे लिखिए और एक घटा के पावर लिख दीजिए। ओके, सो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला होता है। तो थोड़ा सा हम समझाते हैं आगे। देखिए अब आप क्या कर रहे हैं कि आप डिफरेंशिएशन ऑफ, सपोज दैट डिफरेंशिएशन ऑफ d बाय डी एक्स, अगर आप x का पावर 6 लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन किए तो 6x का पावर क्या हो गया, 5 हो गया। और इसी का अगर आप इंटीग्रेशन लोगे तो पक्का यही आएगा। देखिए कैसे 6x का पावर 5 का आप इंटीग्रेशन लेने गए, ठीक है। और देखिए कभी भी याद रखिएगा, कांस्टेंट जब भी होता है ना वो इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहता, ना ही डिफरेंशिएशन के अंदर, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिएगा। तो सिंपली अगर कहें तो कांस्टेंट क्या, जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता, जैसे नंबर सारे कांस्टेंट हो गए, आपको ए बी सी डी जितने भी हो गए वो कांस्टेंट हो गए, यानी अल्फाबेट में ऊपर वाले जितने ए बी सी डी है ना सब कांस्टेंट, और नीचे वाले जितने होते हैं ना एक्स वाई वो सब वेरिएबल होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आप यहाँ से 6 को बाहर लिए, एक्स का पावर 5 डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे 6 और एक्स का पावर 5 को क्या लिखिएगा, एक्स का पावर 6 बाई 6, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो देखिए पावर प्लस होगा ना, देखिए एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 बताया था, तो 6 बाई 6 ये और ये कट गया, तो क्या बचा आपका x का पावर 6। अब आप देखिए तो x का पावर 6 यहाँ पे है कि नहीं है, यानी डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन था उसको आपने सॉल्व करके एक आंसर आया, उस आंसर का आपने इंटीग्रेशन ले लिया dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले लिया, तो वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पक्का कंफर्म, ठीक है। तो ये रूल ये देखिए जस्ट अपोजिट है, देखिए क्वेश्चन लिए आंसर आया, आंसर का इंटीग्रेशन किए क्वेश्चन आ गया, जस्ट रिवर्स। ओके, नाउ उसी तरह अगर आप
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिखते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। अब वही आप इसका इंटीग्रेशन लोगे तो आपको साइन एक्स मिल जाएगा। देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी जो लिखे हैं। ओके, तो अभी हम आपको सी पे आ रहे हैं, है ना, वेट बस देखिए यहाँ पे। तो डी बाई डी एक्स, अब तो आप समझ गए कि यानी डिफ्रेंशिएशन का जो क्वेश्चन है उसको अगर आप सॉल्व किए और जो आंसर आया उस आंसर का अगर आप इंटीग्रेशन लिए, तो इंटीग्रेशन लेने के बाद वो जो जो भी इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो जस्ट डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे एक और चीज दिखाएं, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप एक्स का पावर सिक्स लिए थे और इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन सॉल्व किए तो सिक्स एक्स का पावर फाइव आया था, ऐसे का इंटीग्रेशन करने पे यही आया था। ये तैयार हो गया, इधर रख देते हैं। अब हम सिंपल वासे में समझाते हैं। देखिए डी एक्स डी बाई डी एक्स एक्स का पावर फाइव है मान लेते हैं, ठीक। इस बार फाइव एक्स का पावर फाइव प्लस थ्री लेते हैं, देखिए तो एक्स का पावर फाइव का क्या होगा, फाइव एक्स का पावर फोर तो होगा, साथ ही साथ प्लस थ्री का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, तो फाइव एक्स का पावर फोर का आपने इंटीग्रेशन लिया। ओके, और आपने इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में फाइव को आपने बाहर लिया, इंटीग्रेशन एक्स का पावर फोर का किया, फाइव एक्स का पावर फाइव मतलब एक्स पावर फाइव बाई फाइव, फाइव फाइव कट गया, आपका एक्स का पावर फाइव बचा। अब आप देखिए क्या क्वेश्चन में आपको एक्स पावर फाइव था क्या, नहीं, क्वेश्चन तो एक्स पावर फाइव प्लस थ्री था, यानी सम कोई कांस्टेंट था, तो उसी लिए अगर डिफरेंशिएशन में कभी कोई कांस्टेंट जीरो हो जाता होगा तो उसको इंटीग्रेशन कैसे बताएंगे कि कौन सा कांस्टेंट था, तो हमको कांस्टेंट पता नहीं रहेगा। इसलिए इंटीग्रेशन में जब भी आंसर आने के बाद लास्ट में हम एक प्लस सी दे देते हैं कि कोई सी होगा डिफरेंशिएशन में, कोई कांस्टेंट होगा जैसे लाइक थ्री। ओके, सो थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखिए सब कुछ फिर से क्वेश्चन लेते हैं, डी बाई डी एक्स, अभी साइन एक्स का टर्म लिख लेते हैं, चलिए चाहे साइन एक्स प्लस फोर ले लेते हैं, तो वही इसका क्या होगा, कॉस एक्स प्लस जीरो, यानी फाइनल आंसर लिखे तो कॉस एक्स। और यही आप कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन ले लोगे, कॉस एक्स डी एक्स का, तो कॉस एक्स डी एक्स का जब इंटीग्रेशन लोगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स, मगर ये फोर तो नहीं मिल पाएगा, तो फोर के लिए क्या करोगे आप, प्लस सी दोगे। ओके, सी प्लस सी हमेशा बताएगा कि कोई कांस्टेंट था डिफरेंशिएशन में। ठीक है, ओके, नाउ उसी तरह अगर हम एक और चीज देखें तो यहाँ पे सभी में यानी जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करिएगा ना, लास्ट में प्लस सी लगा दीजिएगा बस। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको ये सब जितना सी का कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आ गया, और ये सारा फॉर्मूला को आप लर्न कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इस सारा फॉर्मूला लर्न करने के बाद इस हम नेक्स्ट वीडियो में 7.1 डील करेंगे, और सब इसी फॉर्मूला के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।